गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमारे लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है जब हमें किसी का बोलना बहुत अच्छा लगता है और हम उसे उसी तरीके से उससे बहुत ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, और अगर कोई हमें डांट डपट की बात करे तो हमें उससे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं आता। तो आज की जो हमारी कहानी है कुछ इसी विचार पर है कि जैसे को तैसा। इसके लेखक है किंग सम किंग लॉन्ग और इसका अंग्रेजी से अनुवाद किया है पंकज चतुर्वेदी ने। इसका चित्र दिए हैं दुर्लभ भट्टाचार्य जी ने। उस गांव से ठीक सटा एक घना जंगल था। गांव की गलियों में घूमने वाली एक कुतिया ने जंगल में 3 पिल्लों को जन्म दिया। कुतिया पालतू तो थी नहीं। वह एक दिन खाना तलाश रही थी, तभी उसकी नज़र एक जंगली कुत्ते के बच्चे पर पड़ी। बेचारा लावारिस पिल्ला एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसे पिल्ले पर दया आ गई, वह उसे अपने साथ ले आई। उसने इस पिल्ले को अपने बच्चों के साथ रख दिया। धीरे धीरे वे चारों एक साथ बड़े होने लगे। अब वे अपना भोजन खुद ही शिकार कर जुटा लेते थे। कुछ ही दिनों बाद 3 गोल मटोल पिल्लों को देखकर एक जंगली कुत्ते की नियत बिगड़ गई। उसने एक पिल्ले से कहा, पिछली रात मैंने एक सपना देखा कि मैं तुम्हें खा रहा हूँ। अपने सपने को सच बनाने के लिए मैं आज तुम्हें खाने जा रहा हूँ। नन्हे से पिल्ले ने कहा, यदि तुम अपना सपना साकार करना चाहते हो तो निश्चित ही ऐसा कर सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें 3 जानवरों से यह पूछना होगा कि क्या सपने सच भी होते हैं कि नहीं। यदि वे कहते हैं कि ऐसा हो सकता है तो मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। जंगली कुत्ता इसके लिए राजी हो गया। वे दोनों सबसे पहले एक बकरे के पास गए। उसने पूछा, क्या सपने कभी सच होते हैं? कुछ पल सोचने के बाद उसने गर्दन हिलाई, हाँ क्यों नहीं, सपने भी सच हो सकते हैं। यह सुनकर जंगली कुत्ता बहुत खुश हुआ। अब वे नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें बगुला मिला। जंगली कुत्ते ने वही प्रश्न दोहराया। बगुले ने उत्तर दिया, कई बार सच हो भी जाते हैं और कई बार नहीं भी। आखिर में दोनों एक भालू के पास गए। जंगली कुत्ते ने उससे पूछा, जरा हमें बताओ कि सपने कभी सच होते हैं कि नहीं। भालू ने यह प्रश्न के पीछे की पूरी कहानी सुनी। उसने मन ही मन सोचा, यह जंगली कुत्ता लालची है, यह पिल्ले की माँ का एहसान भी याद नहीं कर रहा है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। भालू कुछ देर मौन रहा। जंगली कुत्ता अधीर हो रहा था, जल्दी से बताओ कि सपने सच होते हैं कि नहीं। भालू ने उत्तर दिया, हाँ ऐसा हो सकता है, पिछली रात ही मैंने भी सपना देखा कि मैंने तुम्हें धक्का दिया और तुम मर गए। यह तो अच्छा हुआ कि तुम खुद ही चलकर मेरे पास आ गए। यह सुनते ही जंगली कुत्ता दुम दबाकर ऐसा भागा, फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बच्चों, आज की कहानी हमारी थी जैसे को तैसा। थैंक यू।